रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई विल टीच मैथमेटिक्स ऑफ क्लास मैट्रिक। लेट्स स्टडी चैप्टर नंबर 14, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आई विल स्टार्ट 14.2 एक्सरसाइज, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज इंक्लूडेड इन योर रिव्यू सिलेबस। स्टूडेंट लुक एट एक्सरसाइज नंबर 14.2। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। इसमें आपके पास बेटा इसमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल बनाना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने इसमें इस क्वेश्चन को मैंने उस तरह से ही यहाँ पे लिख लिया है जो आपका मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया है, ये वाला मॉडल पेपर में भी आपके मौजूद है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ पी क्यू आर इन विच पी आर इक्वल टू मेजर पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इसमें आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, यानी कि आपको ये पूरा कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आपने किस तरह से उसको ड्रॉ किया है वो सब आपको मेथड भी लिखना है। तो इसके लिए जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपका गिविन आएगा। गिविन में वो वैल्यूज़ आएंगी जो आपके पास इसमें मौजूद हैं, जैसे मेजर पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपको गिविन में लिखना होगा। इसके बाद रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमें ये बनाना है, किस तरह से हमें इसको बनाना है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास पी आर और क्यू आर जो सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन है, ठीक है, और क्यू जो है हमारे पास एंगल गिवन है। तो अब ये दो जो लाइनें हैं हमारे पास, अब हमें इसमें से कौन सी लाइन चूज़ करना पड़ेगी कि हम इसमें जो है ड्रॉ कर सकें। ठीक है, दोनों के जो है सेंटीमीटर में वैल्यूज़ गिवन है, तो आप वो लाइन चूज़ करेंगे हम जिसमें हमारे पास एंगल गिवन है। यानी कि पी आर अगर आप चूज़ करेंगे तो आप इसमें एंगल नहीं बना सकते, क्योंकि ना पी है एंगल आपको गिवन है, ना आर पे एंगल गिवन है। लेकिन जब आप मेजर क्यू आर अगर आप चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि क्यू पे आप जो है 65 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे कि आप क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे, फिर उसके बाद आप क्यू पे 65 का एंगल बना लेंगे और आर्क के लिए आप जो है 5 सेंटीमीटर जो है आर्क के लिए आप पी आर से जो है आप आर्क लगाएंगे और पॉइंट पी पे जो है वो पॉइंट पी पे उसको कट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि गिविन वैल्यूज जो आपकी दी हुई हैं पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसमें से आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे तो दो लाइनें गिवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। हम इस तरह से पता चलेगा कि जो आपको एंगल दिया है वो लाइन आप ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ पे क्यू आर है तो सबसे पहले आप क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल में आप देखिए 4.5 सेंटीमीटर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ये आपने दिया ज़ीरो, ज़ीरो से आपने ये आप ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर ये आ गई, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपको इसको एक नाम देना होगा जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये आपकी है ये क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर, ये आपने लिख दिया यहाँ पे क्यू, यहाँ पे लिख दिया आपने आर, ये आ गई आपकी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एंगल।
अब आपको जब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो नंबर वन पे आप लिख देंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर ए ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट होगा। अब जो जो आप स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करेंगे वो आप लिखते भी जाएंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, अब आप क्यू से आपको बनाना है 65 का एंगल, आपको जो गिवन है वो 65 है। अब स्टूडेंट ये देखिए कि आपके पास डी में वैल्यूज़ जो हैं, आपके पास अगर आप डी को देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ भी ज़ीरो होता है, मेरे पास यहाँ भी ज़ीरो है और ये 90 का एंगल गिवन है। अब क्यू है तो जब आप इसको क्यू पे रखेंगे तो ये देखिए बीच में जो आपको डॉट नज़र आ रहा है इसको आप क्यू के पॉइंट पे ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि यहाँ भी आपको 65 मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन जो लाइन आपको इस पर लाई कर रही है इस ज़ीरो वाली लाइन पे देखिए आप कि ये लाइन लाई कर रही है, ठीक है, और ये जो है ये आउट ऑफ लाइन है, इस तरफ की वैल्यूज़ हैं ये आउट ऑफ लाइन है। और जो 65 का एंगल होता है, अगर आपने 11 चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको सारे एंगल जो हैं वो आपने ज़रूर रीड किए होंगे कि 65 का एंगल हमारे पास एक्यूट होता है बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जितने भी लेस देन एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो 65 का एंगल आप इस तरफ को लेंगे, इस तरफ क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो ज़ीरो की जो वैल्यू यहाँ पे इस लाइन पे लाई कर रही है। अब आप 65 देखिए, ये आ गया आपका नीचे की वैल्यू देखिए 60 और ये यहाँ पे आ गया आपका 65। तो यहाँ पे आप जो है मार्क कर देंगे, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद आप इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे, 65 का आपने एंगल बना लिया, इसको आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये आपने लंबी लाइन इसकी ड्रॉ कर दी। इसकी मेजरमेंट आपको नहीं करनी है इस लाइन की, ये आपके रे बन जाती है और आपने इसको यहाँ से इसी पॉइंट से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ड्रॉ कर दी। अब ये एक रे होती है, ये हमने यहाँ पे रे का वो डाल दिया। अब इस लाइन को आप एक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये हमने एक्स ले लिया। अब आप देखिए कि आपने ड्रॉ कर दिया है 65 का एंगल आपने बना लिया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ में देखेंगे तो आपके पास पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर लाइन सेगमेंट आप जो फर्स्ट लाइन जो बनाते हैं उसके लिए तो आप रूलर यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप सेकंड लाइन जब आप बनाते हैं जैसे इसमें गिवन है पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो वो हमारे आर्क के लिए लाइन होती है, ठीक है। हम इसके लिए हम आर्क बनाते हैं, अब आर्क आपका है 5 सेंटीमीटर का पी आर। अब आप ये देखिए कि आप लेंगे कंपास, ये आपने ले लिया कंपास, अब आपने ज़ीरो से आप 5 सेंटीमीटर जो है इसमें मेजर कर लेंगे, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से आपने इसको ओपन कर लिया कंपास को, यहाँ पे ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये अगर आप देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा, थोड़ा सा और कम करेंगे हम, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपने इसको मेजर कर लिया। अब इसको मेजर करने के बाद हमारे पास पी आर है, इसका मतलब है कि आर पे आपको रख के इसको बनाना है, इसका आर्क जो है आपको आर पे लगाना है, आर से लेके लगाना है, ठीक है, ये मैंने आर पे रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ये देखें स्टूडेंट, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये और कहीं भी ये वैल्यूज़ नहीं जा रही है, ये आ गया आपका, ये आर्क लग गया। अब इस आर्क को आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने आर्क लगाया है इसको आप नाम दे देंगे पी का, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास पी आर की वैल्यू की मैंने आर से आपने आर्क लगा लिया, तो ये मेरे पास आ गया पी। इस पी को आप जो है ज्वाइन कर देंगे आर से, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे जो आपने क्यू पे जो आपने एंगल बनाया है 65 डिग्री का जो गिवन एंगल है आपके पास, इसको आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये लाइन जो है आपकी जो है क्यू की, ये 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन जो ड्रॉ की है वो आप लिख देंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर की आपने जो कस्टर की थी ये सब आपने इसमें लिख दिया। ये देखने स्टूडेंट, ये इस तरह के डायग्राम जो है आपके पास, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने,
स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो क्वेश्चन है आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा होगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा जो जिस तरह से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है मॉडल पेपर में जिस तरह से गिवन है उस तरह से मैंने आपको लिखना बताया और इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो ड्रॉ जब आप करेंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी मौजूद हैं जो कि दो जगह जो हैं उसमें आग जो है दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है आप इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखेंगे जो मैं आपको अभी वर्बली बता रही थी वो आपको इसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक दफ़ा नंबर वन पे आप लिखेंगे, पहले आपने वो सारे स्टेप लिखने के बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसमें आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया था कि हमने एंगल बनाया था, तो आप उसको आपको यहाँ पे रिटन में भी लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री और ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। ये वो वर्क है जो हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बनाया है, वो आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना है। नंबर थ्री पे हमने क्या किया था, विद पॉइंट आर ऐसा सेंटर, आर को आपने सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमने आर्क लगाया था 5 सेंटीमीटर का, विच कट क्यू एक्स, यानी कि वो जो Q और X जो आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, रे जो आपने ड्रॉ की थी एट पॉइंट P, उसको वो कट कर रहा था। किस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने जो जहाँ पे आपने आग लगाया था उसको हमने नाम दे दिया था P का, ठीक है स्टूडेंट। तो वो हो गया था हमारे पास कि ओ क्यू एक्स एट पॉइंट P, ठीक है। नंबर फोर पे आप लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट P एंड R, आपने इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, जो आपने आर्क लगाया था वहाँ से आर तक का जो डिस्टेंस था उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये जो है आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो भी इसी तरह से करना होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आप देख रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट आ ट्राई एंगल पी क्यू आर, इसमें ये आपका गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है सिक्स क्वेश्चन जो हैं, इसमें दो दो क्वेश्चन जो हैं एक जैसे हैं, ठीक है। छह क्वेश्चन में से तीन के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। एक तो आपका ये जिसमें आपने ट्राई एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं बता रही हूँ कि कंस्ट्रक्ट का ट्राइंगल पी क्यू आर मेजर पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल का साइन है तो हम इसे मेजर एंगल पी 70 डिग्री। अब स्टूडेंट अब आप ये देखिए कि इस लाइन में, इस पूरी लाइन में आप कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप कौन सी लाइन जो है वो चूज़ करेंगे। तो जाहिर है हमारे पास एंगल यहाँ पे पी गिवन है, तो वो लाइन आप चूज़ करेंगे जिसमें इन दोनों में पी गिवन होगा, ठीक है ना। तो जब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें आप इस तरह से अंदाज़ा नहीं लगाइएगा कि जो जो वैल्यू पहले लिखी आप वो लाइन ड्रॉ कर दें। आपको इसका किस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपको एंगल दिया है वो उसमें मौजूद है, तो आप वो लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आप पी पे 70 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से आप करेंगे, जो जो हमारे पास गिवन है वो हम लिखेंगे। स्टूडेंट इसमें देख लीजिए आप लोग नंबर वन पे, स्टूडेंट ये देख रही है आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कंस्ट्रक्ट एंगल ट्राई एंगल पी क्यू आर इन विच पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसके सबसे पहले जब आप इसको लिखेंगे तो गिविन लिखेंगे कि इसमें क्या हमारे पास गिविन है, क्या वैल्यूज हमारे पास दी हैं।
मेजर पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो हमें रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टू कंस्ट्रक्ट ट्राई एंगल पी क्यू आर। अब हमारे पास ये वैल्यूज गिविन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेजर एंगल पी जो है वो 70 डिग्री गिवेन है, ठीक है। तो अब जिसमें पी आ रहा होगा इन मेजर एंगल में, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेजर एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, तो जिस वैल्यू में पी आ रहा होगा वो आप लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेजर एंगल मेजर पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आप देख लीजिए कि हमारे पास पी आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लाइन लेनी, यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास पी आर जो 8 सेंटीमीटर, ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ स्टूडेंट के, किस तरह आपने ये रूलर रखा सीधा, ठीक है। और उसके बाद आपने ज़ीरो से आपने 8 तक आपने यहाँ पर लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये मेरे पास ये गिविन वैल्यू क्या थी, ये मेरे पास पी और ये मेरे पास था P और R, ये आ गया आपका P, ये आपके पास आ गया R, ठीक है। ये हमने लिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब आपके पास एंगल मेजर एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री मेजर एंगल, अब ये देखिए हमारे पास 70 डिग्री P पे है, सही है। अब आपने इसको लिखा यहाँ पे, ये आपने पॉइंट पे रखा D को, ठीक है, ये आपने पॉइंट पे ही रखना है और ये लाइन पे ही रखना है। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर, तो आपको वैल्यूज़ दो नज़र आ रही हैं, एक 70 आपको यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप वो वैल्यू लेंगे जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये वाली जो लाइन है ये आउट ऑफ लाइन है, ये लाइन आपकी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर आपने रखा है, तो इस तरफ वाली वैल्यूज़ आप कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास 70 है, ये आपने, आप अगर देख सकते हैं कि ये रहा मेरे पास 70, ये मैंने इस पर मार्क कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं एक रे के ज़रिए इसको मैं मिला लूँगी, रूलर के ज़रिए एक लाइन खींचूँगी इसी पॉइंट से, ये मैंने रूलर के ज़रिए एक लाइन खींच लिया। ये जो होती है लाइन होती है, या आप बड़ी छोटी, इसमें आपको मेजरमेंट नहीं होती, ये आपने यहाँ पे रे का यहाँ पे आपने सिंबल, और आपने इसको एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो आपका पी था यहाँ पे, अब आप इसको रिटर्न में लिख दें कि ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। अब आप अगर इसमें अपने गिविन डेटा में देखेंगे, तो गिविन डेटा में मेरे पास, गिविन डेटा में अगर आप स्टूडेंट देखेंगे, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया था हमारे पास। उसके बाद आपने क्यू पे एंगल बना दिया, और क्यू आर मेरे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखिए, इस पूरे जो आपने ड्रॉ किया इसमें क्यू नहीं है, यानी कि जो आप आर्क लगाएंगे वो हमारे पास क्यू होगा, और वो आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, आपने रूलर लिया, रूलर लेने के बाद आपने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपने यहाँ से ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे, और 6 सेंटीमीटर आप मेजर करके यहाँ से, ये आपका पूरा 6 पे आ गया। अब ये आप आर पे रखेंगे, ठीक है। अगर आप आर पे रखेंगे, ये देखिए आप, ये आपने आर पे रखा, तो ये आपका जो है कहीं भी जो है ये कट नहीं कर रहा है, इस यानी के एंगल से आप देखें, ये आपका इस लाइन में कहीं पर भी ये कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपके इनके जो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है, तो इसमें जो है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती, ये वाली कंडीशन जो है इसमें हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर आप जब आप इसको मेजर करके आप ड्रॉ करेंगे, तो ये कहीं भी ये जो है इस पॉइंट में जो आपके पास पी एक्स जो गिविन है, इसमें कहीं भी आपका कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा जब ये कट होता है, जब हमारे पास ट्राइंगल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ये कट नहीं हो रहा है, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये आप लोग देख लें कि क्या कहते हैं, नंबर वन पे जो आपने, जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया है, उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लोग
यहाँ पे आप लोग लिख भी दिएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप नंबर वन पे देखिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी आर ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बना ली थी। नंबर सेकंड जो हमने उसमें प्रैक्टिकली वर्क किया था ड्रॉ मेजर एंगल पी ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। आपने 70 डिग्री का आपने एक एंगल ड्रॉ कर दिया था। अब आपने यानी कि पी पे आपने एक एंगल ड्रॉ कर दिया था। उसके बाद नंबर थ्री हमारे पास था विथ पॉइंट आर एस सेंटर, इसमें देखिए विद पॉइंट आर एस सेंटर आपने आर को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क लगाया था विद डज नॉट कट आर एक्स, यानी कि वो आर एक्स को कट नहीं कर रहा था, जो कि हमने पॉइंट उसमें हमारे पास जो गिविन थे वो उसको कट नहीं कर रहा था, ठीक है। एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट यानी कि कहीं पे भी वो, अगर मैंने आप इसको देखेंगे इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ से आर से एक आर्क लगाया था, तो अगर यहाँ पे कट करता तो इसको आप इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आर्क कट करता तो ये आर एक्स हो जाता, तो ये आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाती। लेकिन जब आपने इसको आपने आर्क लगाया तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर कहीं भी कट नहीं कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कट आर एक्स एट एनी पॉइंट यानी कि कहीं पे भी वो जो था वो कट नहीं कर रहा था। इन दिस केसेस नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट, तो इस केस में क्या होता है कि ऐसी सूरत में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती, यानी कि ट्राइंगल नहीं बनती है। तो आपका जो है इसी तरह से अब ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए हैं इनको आपको अच्छी तरह से करना है। और इसके बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको ये दो मेथड मैंने अलग अलग कंस्ट्रक्शन के आपको बता दिए कि एक में जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर आर्क जो है आप कहीं से कट कर रहा है तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और अगर आर्क आप लगा रहे हैं और वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो थर्ड मेथड है इसका, जहाँ पे दो जगह से कट कर रही है तो वो एंगल जो गिवन एंगल जो बनते हैं और एंगल किस तरह से वो बनते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो में आपके लिए ये दो क्वेश्चन जो है इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसी तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है, पहले सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको जो भी आपको जो वैल्यूज़ दी हुई है उसमें रिक्वायर्ड लिखना है कि क्या आपको चाहिए, क्या बनाना है। फिर कंस्ट्रक्शन जो आपने बनाई है जिस तरह से आप पॉइंट जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपको नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री इसी तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आई विल वाइंड अप माई लेक्चर, अब मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।